अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहले जो खबर दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं, भाइयों आप लोग जानते ही होंगे कुवैत में बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें मंगफ एरिया बिल्डिंग में जिसमें लगभग 45 से 46 इंडियन वर्कर मारे गए, कुल मिला के 51-52 लोग वहाँ पे मारे गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दुखदायी खबर था सभी इंडियन के लिए। इंडियन के बॉडी को लाया भी गया इंडिया में और सभी का अंतिम संस्कार भी किया गया। पर साथियों बता दूं आपको, ये घटना जब घटी कुवैत में मंगफ एरिया में, तो वहाँ पे साथियों म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया कि वेस्ट मटेरियल यानी जो भी बिल्डिंग में दोस्तों आग लगी थी, जो उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, जिसके वजह से वेस्ट मटेरियल जो है वो 400% की इंक्रीजमेंट देखनी गई है, यानी कूड़ा करकट का इंक्रीजमेंट देखने गया है, 400% बढ़ गया है सिर्फ 2 दिनों के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुवैत का ये कितना बड़ा हादसा था कि सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर 400% की दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत ही बड़ा दोस्तों यह हादसा हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी जगह चारों तरफ वहाँ पे जो मंगफ एरिया का जो बिल्डिंग है, चारों तरफ दोस्तों कूड़ा जो है वो फैल गया है, क्योंकि जो भी चीज़ें जल गई थी सभी को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकाल के वहाँ पे जो साइड एरिया वहाँ पे दोस्तों फेंका जा रहा है। तो दोस्तों ये आंकड़ा को आप देख सकते हैं, यहाँ खबरों को भी पढ़ सकते हैं। अगली खबर दोस्तों साथियों जो आ रही है वो भी मंगफ बिल्डिंग ट्रेजेडी को लेकर ही आ रही है। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे NBTC की बहुत बड़ी गलती थी साथियों, NBTC फायर की तरफ से, और ये जो घटना घटी है NBTC जो कंपनी है जिनके अंडर में ये सब चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कुवैत में जो मंगफ बिल्डिंग एरिया में जो दुर्घटना घटी थी उसमें जितने लोग भी मारे गए हैं, चाहे वो इंडियन हो या दूसरे कंट्री के लोग हो, उन सभी लोगों को परिवार को लगभग 4 सालों तक उनकी सैलरी को पूरा पहुंचाया जाएगा। यानी मान के चलो दोस्तों कि कुवैत में जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे थे और जिनकी वहां पे मौत हो चुकी है, तो उन सभी वर्करों की सैलरी जो है लगभग 4 सालों तक पूरी सैलरी उनके फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि उनके परिवार वाले को थोड़ा तो इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। साथियों, इंसान जो दुनिया से जा चुके हैं वापस तो नहीं आएंगे, पर कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों, यदि उनके पैसे उनके परिवार को मिलेंगे तो उनके घर वगैरह जो है वो चल पाएंगे। तो 4 सालों तक ये सहायता दी जाएगी। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है कुवैत के म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आ रही है, फायर एक्सटिंग्विशर वेस्ट साइड साउथर्न 7th रिंग रोड। साथियों, कुवैत म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बताया गया है कि जो साउथर्न का जो 7th रिंग रोड है वहाँ पे अचानक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धुआं उठने लगा। वीडियो क्वेश्चन का दोस्तों आप देख सकते हैं, धुआं उठने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे। साथियों, किसी फैक्ट्री में या किसी वजह से वहाँ पे आग लगी थी, जिसके वजह से ये धुआं काफ़ी तेज़ी से उठने लगा। फायर वहाँ पे तुरंत आन फान वहाँ पे दोस्तों पुलिस वगैरह पहुँच गई थी, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वाले भी पहुँच गए थे और उस आग पर काबू पा लिया गया है। साथियों, कुवैत में जो आग लगने की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है, कभी कार में आग लग जाना, कभी बस में आग लग जाना, किसी बिल्डिंग में आग लग जाना। तो भाई गर्मी बिल्कुल आप संभल के रहिएगा, और कोई भी कार में दोस्तों आप खिड़की को बंद करके बिल्कुल भी मत रहिएगा। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे।